रिश्वतखोरी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। रिश्वतखोरी में कभी पुलिस और राजस्व विभाग नंबर वन पर हुआ करते थे, लेकिन अब उसकी जगह कृषि विभाग और ग्राम विकास विभाग ने ली है और इन रिश्वतखोरों पर कार्रवाई करने में एंटी करप्शन ब्यूरो भी पीछे नहीं है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता एकता गहरवार की स्पेशल रिपोर्ट। देश में रिश्वतखोरी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। आश्चर्य की बात तो ये है कि हमारे देश के नेता रत्ती भर भी चिंतित नहीं कि देश में दिनों दिन भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी बढ़ रही है, बल्कि कई सरकारी विभागों के आला अधिकारी खुद रिश्वत लेते धरा है। नागपुर परिक्षेत्र की बात करें तो सबसे भ्रष्ट और रिश्वतखोर विभाग ग्राम विकास विभाग और कृषि विभाग है। वहीं दूसरे नंबर पर पुलिस विभाग है, जो चौंकाने वाली बात है। वर्दीधारी ही यदि सबसे ज्यादा घुस खाएंगे तो आम नागरिकों से क्या उम्मीद करेंगे। साल 2020 में एंटी करप्शन ब्यूरो ने 14 पुलिस कर्मचारियों को 2,28,500 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा था। खास बात तो ये है कि इनमें कुछ तमका पाए पुलिस कर्मी भी शामिल है। विशेष रूप से साल 2020 पूरी तरह से कोरोना महामारी के चपेट में था, फिर भी रिश्वतखोरी कम नहीं हुई। वहीं सबसे भ्रष्ट ग्राम विकास विभाग और कृषि विभाग में एसीबी की 15 कार्रवाई की गई और इन रिश्वतखोरों ने 1,45,000 की रिश्वत खाई थी। वहीं बात की जाए राजस्व विभाग की तो वो भी रिश्वतखोरी में पीछे नहीं है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने राजस्व विभाग के 10 कर्मचारियों को 1,75,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा था। राजस्व विभाग की बात की जाए तो बड़े पैमाने पर रेत माफिया अवैध रूप से रेत का उत्खनन कर उसका परिवहन करते हैं। कोई उन्हें पकड़े ना, इसलिए अधिकारी को रेत माफिया बड़ी रकम रिश्वत के रूप में देते हैं। चोर चोर मौसेरी भाई कहावत यहाँ पर सटीक बैठती है, क्योंकि रेत माफिया आला अधिकारियों के मार्गदर्शन में ही रेत का अवैध रूप से उत्खनन कर परिवहन करते हैं। नागपुर परिक्षेत्र की बात की जाए तो साल 2020 में कुल 72 कार्रवाई की गई, साथ ही साल 2021 में अब तक 12 कार्रवाई की गई। वहीं नागपुर में साल 2020 में 18 रिश्वतखोरों को पकड़ा गया था। वर्धा में 7, भंडारा में 6, चंद्रपुर में 11, गढ़चिरौली में 14 और गोंदिया में 16 रिश्वतखोरों पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपना शिकंजा कसा था। सभी रिश्वतखोरों ने 14,86,350 रुपए की रिश्वत खाई है। एंटी करप्शन ब्यूरो की पुलिस अधीक्षक रश्मि नांदेडकर ने कहा कि रिश्वतखोरों पर कार्रवाई करना जारी है, चाहे वो सरकारी अधिकारी क्यों ना हो, उन पर भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में भंडारा जिले के लाखांदूर तहसील के तहसीलदार निवृत्ति जगन उइके को 10,000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया। साथ ही पुलिस अधीक्षक रश्मि नांदेडकर ने लोगों से अपील की है कि वे कहीं भी किसी भी व्यक्ति को रिश्वत ना दे और ना ले। रिश्वत की मांग की गई तो उन्होंने बेझिझक कोई भी मन में संदेह ना रखते हुए हमारे पास आना चाहिए, हमारे पास कंप्लेंट देना चाहिए। मैं उनसे ये कहती हूँ कि उनको उनके जो कंप्लेंट है उसको बहुत ट्रांसपेरेंट उसकी कार्रवाई होगी, उनका नाम जो है वो कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा और उनको जो न्याय जो उनकी अपेक्षा है वो पूरा सहयोग उनको मिलेगा, ये मेरी सब जनता से आह्वान है। पुलिस अधीक्षक रश्मि नांदेडकर ने लोगों से बिना डरे शिकायत करने का आह्वान भी किया है। उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता का नाम पूरी तरह से गुप्त रहेगा। इसके लिए एक 1064 ऐसा हमारा टोल फ्री नंबर है, उस पे कोई भी कंप्लेनेंट कॉल कर सकता है और हमारी जो वेबसाइट है उस पे भी हमारा ये भी है, नंबर भी है और लैंडलाइन नंबर भी है, उस पे भी वो कॉल कर सकते हैं। भारत जैसे देश में ऐसे ही रिश्वतखोरी दिनों दिन बढ़ती रहेगी तो लोगों का प्रशासन के साथ साथ आला अधिकारियों से भी विश्वास उठ जाएगा। लेकिन अगर हमें देश को भ्रष्टाचार मुक्त करना होगा तो शुरुआत अपने आज से ही करनी होगी। बीसीएन न्यूज के लिए कैमरा पर्सन माइकल रामपुरी के साथ एकता गहरवार की खास रिपोर्ट।